लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार पूरी सरगर्मी में है और बड़ी तादाद में जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, उम्मीदवार हों, अपने प्रचार प्रसार में जी तोड़ लग चुके हैं। ऐसे में क्योंकि मुंबई की 6 सीटों पर 29 तारीख को चुनाव होने हैं, 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, ऐसे में बात करें तो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से सपा और बसपा के उम्मीदवार सुभाष पासी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल चरम पर आ चुका है। देखिए, चुनाव एकदम चरम पे आ चुका है, प्रचार का 2 दिन का और प्रचार बचा है, लेकिन जो जोश और खरोश नौजवानों में है, खास करके उत्तर भारतीयों में है, हमारे रिक्शे वाले भाइयों में है, फेरी वालों में है, पहली बार उनको उनके मन का पसंदीदा प्रत्याशी मिला है, जिसको वोट वो बरसों से उत्तर प्रदेश में साइकिल या हाथी को देते थे, आज पहली बार दोनों आदमी मिल करके साइकिल को वोट देंगे, बहन मायावती जी को और अखिलेश जी को वोट देंगे। जो महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बना है, उस महागठबंधन को देख करके सारे विरोधियों की नींद हराम है। सुभाष जी, अगर बात की जाए चुनाव चरम पर है, प्रचार प्रसार की बात करें तो सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें या बात करें प्रधानमंत्री की या बात करें कांग्रेस के आला नेताओं की, क्या सपा बसपा से भी कोई बड़े नेताओं की रैली होगी? देखिए, बोला नहीं जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश का जो महागठबंधन है, यदि मेरी बात आपके जरिए लोगों तक कान तक जाए, समय 2:05 या 10 मिनट हो रहा है, तारीख 24 है, 25 तारीख है, इस बात को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन 55 से 60 सीटें जीत रहा है। एक सीट पे महागठबंधन का प्रत्याशी है, कोई नेता आ गए तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे भाई सब स्टार प्रचारक हैं, सारे रिक्शे वाले, सारे सब्जी वाले, दूध बेचने वाले, ठेला कर चलाने वाले, मिल में काम करने वाले, जो समाजवादी और बहुजन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वही मेरे स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच का हूँ, उनका ही एक भाग हूँ, उन्हीं का एक हिस्सा हूँ, वो मेरे परिवार के लोग हैं, यहाँ का जिला अनजाना नहीं है, हर चीज़ से मैं वाकिफ हूँ, यहाँ के हर गली मोहल्ले से। सुभाष जी, अगर बात की जाए प्रचार प्रसार बिल्कुल जोर में, आप भी चुनावी रैली कर रहे हैं और हमने देखा कि जब उम्मीदवार जाता है तो जनता अपनी समस्याओं को लेकर उम्मीदवार के पास खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब जनता जागरूक है, क्या उत्तर पश्चिम की जनता ने किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके प्रचार प्रसार के दौरान उठाया सवाल कि ये हमारे यहाँ नहीं हुआ है? बहुत से ऐसे मुद्दे आए कि जो जो प्रत्याशी चुने गए हैं वो कभी नज़र नहीं आए, जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ, और उनको एक उम्मीद है, एज ए उत्तर भारतीयों के नाते मुझसे एक उम्मीद है, उनको पता है कि सुभाष पासी बम्बई में रह कर के उत्तर प्रदेश के लोगों का काम करता है, ये वहाँ पे विधायक है, फिर भी यहाँ पे मरने वालों की उनकी बॉडी को बम्बई शहर से उत्तर प्रदेश भेजता है, 973 लोगों की डेड बॉडी बम्बई शहर से मैं भेज चुका हूँ, जिनसे मेरा कोई संबंध कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं लोगों का काम करता हूँ, यदि मैं काम नहीं करता तो उत्तर प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता है ना तो राजनीति सीख के निकलता है, तो आज वहाँ से मैं 2-2 बार विधायक हूँ, तो किसी न किसी काम के बल पे मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मेरा कहने का मतलब आज जनता का जो समर्थन मिल रहा है, लोग खुद होकर के आ रहे हैं, अभी आप देखिए सारे रिक्शे वाले भाई रिक्शा बंद करके मेरी बातों को सुनने के लिए रुके हैं, तो बहुत बड़ा समर्थन और लोगों का एक बड़ा विश्वास है क्योंकि मैं उनके बीच का हूँ। घोषणा पत्र, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपके नामांकन के दौरान इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मेरा घोषणा पत्र बहुत जल्दी आएगा और उस घोषणा पत्र में पुनर्विकास योजना होगी क्योंकि स्लम एरिया ज़्यादा है और जो शिक्षा का मेन मुख्य उद्देश्य होगा, मेरा घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे रखे हैं आपने? देखिए, घोषणा पत्र में हमारे मुद्दे यही हैं कि स्लम का विकास, बेरोजगारों को नौकरी, पढ़ने वालों के लिए लैपटॉप, सड़कें, बिजली, पानी, पुरानी बिल्डिंगों को ओसी और जल का, पानी की समस्या, टैक्सेस जो आते हैं, अडानी के बिल से लोग परेशान हैं, ये सब मूलभूत समस्याएं जो मैं उठाऊंगा। अगर बात की जाए कांग्रेस की और बात करें बीजेपी की, तो मैनिफेस्टो में काफ़ी लोक लुभावने वादे किए गए हैं, सुभाष पासी को क्या लगता है कि वो जो वादे हैं वो पूरे होते हैं? उसका जीता जागता सबूत तो आपके सामने है, इसके पहले जब 2014 में वादा किया गया था कि 15 लाख लोगों को दिया जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी, तो सब वादे धरे के धरे रह गए हैं, मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, राफेल डील का मुद्दा खत्म हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, मतलब सारे मुद्दों को, 1-2 मुद्दे ला करके सारे मुद्दों को दबा दिया जाता है और आज वो कोई मुद्दा नहीं है।
बीजेपी कहीं ना कहीं अब सर्जिकल स्ट्राइक का ही मुद्दा उठा रही है। उत्तर पश्चिम की अगर खास बात करें तो ये कहा जा रहा है कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबूत मांगते हैं और उनको राफेल पे जो है बैठा के पाकिस्तान भेज दे देना चाहिए। देखिए कांग्रेस के नेता क्या मांगते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस के नेता थे आज जो हैं उसके पहले वो क्या थे और उन्होंने उत्तर भारतीयों के विषय में क्या कहा है, आज उन्हीं उत्तर भारतीयों से वोट मांग रहे हैं। इसके पहले जो दोनों पार्टियां मेरे से लड़ रही हैं, एक समय में दोनों पार्टियां एक थी, वो एक ही साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, आठ दस साल बाद आपने ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस में आ गए, लेकिन इसके पहले विचारधारा आपकी वही है, तो वो मानसिकता आपकी बदली नहीं है। उत्तर प्रदेश से आप विधायक हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रज्ञा सिंह को लेकर फिर एक बार जो है सियासत गरमाई है, क्या लगता है उनकी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहेंगे सुभाष? देखिए उसके विषय में अभी तो मैं मेरे चुनाव के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा चुनाव दो दिन के बाद मेरा चुनाव है, वोटिंग होने वाली है, तो पूरा ध्यान मेरा इधर है। 30 तारीख से मैं सीधे उत्तर प्रदेश में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो आती है कम से कम 12-14 सीटें, जिसमें आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बलिया है, चंदौली है, बनारस है, जौनपुर है, लालगंज है, फूलपुर है, मछली शहर है, इन सीटों पर मुझे बहुत कुछ करना है। तो 30 तारीख से मैं उत्तर प्रदेश में बिगुल बजाने के लिए लगूंगा। तो उत्तर प्रदेश में बिगुल बजाएंगे सुभाष जी, लेकिन एक सवाल है कहीं ना कहीं हर किसी के मन में खटकता है, दिनेश लाल निरहू को लेकर, क्योंकि जो काफी करीबी माने जाते हैं समाजवादी पार्टी और सुभाष पासी के, अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देखिए हर आदमी का अपना अपना एक विचार होता है, दिनेश मेरा बच्चा था और आज भी मेरा बच्चा है, लेकिन उसने देखा मेरा भविष्य वहाँ है, वो गया, उसकी मर्जी है, उसका डिसीजन था, उसका डिसीजन जो उसने लिया वो लिया, लेकिन मैं समाजवादी हूँ, अखिलेशवादी हूँ, मैं अखिलेश जी के साथ हूँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा और आजमगढ़ में जाके प्रचार करूँगा, जो मेरा बच्चा है उसके खिलाफ मैं प्रचार करूँगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मेरे घर की बहू लड़ रही थी, वो दूसरे पार्टी में थी, तो मेरे घर की बहू को हरवाने के लिए 32 लाख मैं खर्चा किया हूँ। तो मैं अखिलेशवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, दिनेश मेरा बच्चा है, उसका उसके लिए मेरा आशीर्वाद है, लेकिन जहाँ एक तरफ आशीर्वाद दूसरी तरफ खिलाफ में प्रचार, वो जरूर है ना, वो तो पार्टी है ना, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, अपनी पार्टी से जुड़ा है, एक घर में बाप बेटे अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन घर में रोज दोनों खाना खाते हैं, वो बात अलग है। चलिए चलते चलते उत्तर पश्चिम की जनता से किस तरह से अपील करेंगे सुभाष पासी को वोट देने के लिए? उत्तर पश्चिम की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि मैं सुनील दत्त जी का सिपाही हूँ, सुनील दत्त जी ने हमेशा गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, झोपड़पट्टी वासियों के लिए बुलडोजर के नीचे सोए हैं, उनके साथ मैं भी लेटा हुआ था, तो आज वो नहीं है लेकिन उनके सिद्धांत मेरे में हैं। मैं हर उस गरीब की ठेले बेचने, ठेला से लेकर छपरी से लेकर दूध वाले से लेकर केला से लेकर के रिक्शा वाला से लेकर टैक्सी से लेकर मिल मजदूर तक की समस्याओं की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। छठ पूजा 20 साल से कराता हूं, मेरे भाई के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो सुभाष पासी जान की बाजी लगा के उनके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उत्तर जो है उत्तर भारतीयों के नाम पर कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो है इनके भाई हैं और जिस तरह से इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी हो उत्तर भारतीय ही इनके स्टार प्रचारक हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।